बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। तो चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती चलूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर एंड कमेंट्स। तो चलें गाइस, मैं आपको बताती हूँ आज हम क्या बनाने वाले हैं। आज मैं आपको एक वाइटनिंग फेशियल फेस पैक बताने वाली हूँ। पिछली वीडियो में मैंने जो आपको बताया था बेसन और टमाटर का पैक, फेस पैक बताया था, वो हाथों के लिए भी था और स्किन के लिए भी था, फेस के लिए भी था। लेकिन आज जो मैं बताने वाली हूँ ये सिर्फ़ एक स्क्रब है, ये सिर्फ आप स्किन के लिए यूज़ करेंगे, फेस के लिए यूज़ करेंगे, हाथों के लिए ये नहीं है। क्योंकि आपके जो डार्क सर्कल हैं, आपके ब्लैक हेड्स हैं, बर्न स्किन है, वो फेस की होती है, हाथों की ज़रा कम होती है। तो ये एक स्क्रब है आप फेस पे, मोस्टली ये फेस के लिए है, चाहे तो आप हाथों में भी कर सकते हैं, लेकिन ये स्पेशली फेस के लिए ही है। तो गाइस मैं आपको बताती चलूँ, सबसे पहले आप देख सकते हैं ये पुदीना है, मैंने पुदीने की पत्तियाँ जो हैं वो तोड़ के इसमें पानी में डाल दी थी। और ये है अदरक, अदरक के मैंने छोटे छोटे 3 से 4 टुकड़े किए, ये आप देख लें। रात को आपने इस पानी में ना, सादा पानी है, टूटी का पानी लिया है सादा, उसमें पुदीने की पत्तियाँ और अदरक के 2 से 3 पीस मैंने करके इनको काट के मैंने पानी में डाल दिया था। ये पानी आप देख सकते हैं, अदरक का भी कलर निकल आया है और पुदीने का भी। आपको पता है पुदीना हमारी सेहत के लिए कितना बेनिफिशियल है, इसके फ़वाद हैं, आप चटनी बना के पुदीने की खाते हैं वो कितना फ़ायदेमंद है। और अदरक तो आपको पता ही है हमारे वो जो है बीपी को कंट्रोल करता है, हमारे बहुत सारे फ़ायदे हैं, अब मैं गिनने बैठूँ तो नहीं बता सकूँगी आपको। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और जब आप इनको स्किन पे अप्लाई करेंगे तो ये और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ, हमने लेने हैं पुदीने को और अदरक को, रात को भिगो दिया था और सुबह को जब आपने बनाना है, रात भिगो लें इसको, 2 से 3 स्पून मैंने इसके लिए हैं अदरक का और पुदीने का पानी। उसके बाद मैंने राइस फ्लोर जो है वो बना के रख लिया था, आप देख सकते हैं। इसकी अपने फेस के हिसाब से आपने इसका पैक बनाना है, इसको मिक्स कर लें। मैं आपको अपने फेस है तो ये फेस के लिए, लेकिन मैं आपको इसको अपने हाथों पे अप्लाई करके बताऊंगी। ये थोड़ा गाढ़ा है, हम इसको थोड़ा पतला कर लेंगे। मैं आपको इसका अप्लाई करने का तरीका बताती जाऊंगी। पहले हम इसका ये फॉर्म बना लें लेप जैसी, ताकि ये स्किन पे लग सके जी। तो गाइस हमारा जो पैक है वो तैयार हो चुका है, अब मैं आपको इसको बताने का तरीका बताती हूँ। मैं इसको अपने हाथों पे अप्लाई करके बताऊँगी कि इसको कैसे अप्लाई किया जाता है और क्या किया जाता है जी। तो व्यूअर्स मैं आपको बताती चलूँ इसको अपनी स्किन पे आपने कैसे अप्लाई करना है। मैं अपने हाथ पर अप्लाई करती हूँ, आप देख सकते हैं ये फॉर्म बन गई है इसकी लेप जैसी जी। तो व्यूअर्स मैं इसको अप्लाई करने का तरीका बताती हूँ कैसे अप्लाई करना है। ये देखें क्रीमी फॉर्म में आ गया है, मैं इसको अपने हाथों पे ऐसे लगाऊंगी, ये फेस के हिसाब से है, मैं अपने हाथों पे अप्लाई करके आपको बताती जाऊंगी। आपने इसको अच्छे से ऐसे चिपकाना है अपनी स्किन पे। ये एक स्क्रब है, आप जब इसको अपनी स्किन पे लगाएंगे, आपको पता है कि चावल जो है वो चावल का पाउडर जब आप स्किन पे यूज़ करते हैं तो ये इंस्टेंट ब्राइटनेस लाता है आपके फेस पे और आपकी स्किन को वो जो है टाइट करता है। लूज़ स्किन जो होती है, आप अगर इसको डेली लगाएंगे तो आपकी स्किन टाइट हो जाती है, रिंकल्स ख़त्म करता है, तो आपकी स्किन को जवान रखता है, तो एंटी एजिंग भी है ये। तो आप इसको अप्लाई करें, आप क्रीमें भी यूज़ करते हैं, अगर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, अगर आप क्रीमें छोड़ के घर के देसी टोटके करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, उनका कोई नुकसान भी नहीं होता है। क्रीम्स आप अप्लाई तो करते हैं कुछ टाइम के लिए, वो आपको अच्छा रिज़ल्ट देती हैं, लेकिन जब आप उसको छोड़ते हैं तो वो अपने असरात भी दिखा देती हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से इसको ये थपक थपक इसको लगा लिया है, आप देख सकते हैं क्लोज़ कैमरे में भी, देखें अच्छे से इसको लगाने के बाद अब मैं इसको तब तक छोड़ूंगी जब तक ये ड्राई नहीं हो जाएगा। आप कोई भी फेस पे लगाते हैं चीज़, मास्क लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, तो आप उसको ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं जब तक वो सूख नहीं जाता है। तो मैं इसको सूखने के लिए छोड़ दूँगी 5 से 6 मिनट के लिए, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ हमें इसका क्या करना है जी। तो गाइस आप देख सकते हैं मेरा जो है वो जो मैंने लगाया था वो कुछ ड्राई हो चुका है, फुल ड्राई नहीं हुआ है, लेकिन आप चाहें तो फुल ड्राई कर सकते हैं। जब आप फुल ड्राई करेंगे तो आपकी स्किन जो है वो टाइट हो जाएगी, आपको फील होगा कि आपकी स्किन में खिंचाव पैदा हो गया है। तो अभी ये थोड़ा है,
तो जब आपकी स्किन फुल ड्राई हो जाए, टाइट हो जाए, तो उसके बाद आपने ऐसा करना है, जब खुश्क हो जाएगा तो वो मसाज नहीं होगा। तो उसके लिए मैं आपको बताती चलूँ, आपने पानी लेना है। पानी लगाने के बाद इसको ऐसे ही आपने, ये अभी थोड़ा गीला है, मैं इसको खुश्क करने के बाद आप इसके इसको अपने फेस के ऊपर पानी फेंकेंगे तो वो नहीं उतरेगा ना, पानी लगाएंगे तो ये अभी उतर रहा है। तो ऐसे मैं आपको बताऊँ, ऐसे इसका मसाज करना है अच्छे से। आप इसको पानी को साइड पर कर दें, बस ये गीला हो चुका है। अब अच्छे से हम इसका, आप देख सकते हैं ये जो राइस फ्लोर है ये दानेदार होता है, ठीक है। बिल्कुल इसको बारीक नहीं करना है, दाने दाने रखने हैं इसके अंदर। दाने रखने का मतलब ये होता है कि ये स्क्रब, ऐसा स्क्रब आपकी स्किन पे काम करता है। आप देख सकते हैं जब मैं इसको मसाज कर रही हूँ तो मेरी स्किन पे मुझे फील हो रहा है कि कुछ है, दाने इसके अंदर, दाने दाने हैं। आप देख सकते हैं ये आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा ग्लो लाता है गाइस। जैसा कि मैं आपको हर अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि जब तक मैं ख़ुद पे अप्लाई ना कर लूँ तब तक मैं आप लोगों के साथ कोई चीज़ शेयर नहीं करती हूँ। ये मैं अपनी स्किन पे यूज़ कर चुकी हूँ। वीक में मैक्सिमम आप इस मास्क को, पैक को आप स्किन पे अपने वीक में 2 से 3 दफ़ा अप्लाई कर सकते हैं। मैंने 3 दफ़ा मैक्सिमम यूज़ किया है और मेरी स्किन पे ब्राइटनेस आई है, मेरी स्किन ग्लो करने लगी है। तो मैंने सोचा ये आपके साथ शेयर कर लिया जाए, क्योंकि आप अगर किसी के साथ कोई अच्छी बात या अच्छा अमल शेयर करते हैं तो वो सदका जारिया होता है कि दूसरे भी उससे फ़ायदा उठाएं, आपके लिए वो सदका जारिया बनता है। तो मैंने आपके साथ ये शेयर किया, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। इसको सिर्फ एक यूट्यूब की वीडियो ना लें, इसको आप अप्लाई करके ज़रूर देखें, उसके बाद आप ख़ुद बोलेंगे कि वाकई ही इसका रिज़ल्ट है। आप मुझे बताइएगा, आपको कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसी लगी है वीडियो। जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे आप कमेंट्स मत कीजिएगा बेशक। तो लेकिन मैं आपको ये इसलिए बोल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है, मैजिकली ये काम करता है। अब आप देख सकते हैं अच्छे से स्क्रब हो गया है, बिल्कुल अच्छे से। आप जैसे जैसे इसका स्क्रब करते जाएंगे इसके दाने ख़त्म होते जाएंगे। मैक्सिमम आपने 5 से 7 मिनट तक इसका स्क्रब करना है, इसका मसाज करना है। करने के बाद अब मैं ऑफ कैमरा इसको वॉश करके आऊँगी, तो मैं आपको वॉश करके दिखाती हूँ इसका रिज़ल्ट जी। तो गाइस मैंने जैसा कि आपको बोला था कि मैं ब्रेक के बाद आपको बताती हूँ, इसको ऑफ कैमरा मैंने वॉश किया है। आप देख सकते हैं, आप क्रीम भी करके देख सकते हैं मेरी स्किन पे कितना ग्लो है। आपको लगेगा कि मैंने, देखें आप मेरे इस हाथ में और इस हाथ में भी फ़र्क महसूस कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी लग रहा है तो आप मेरे ये वाली आम में और यहाँ पर फ़र्क महसूस कर सकते हैं। ये थोड़ी डार्क है आप देख सकते हैं, और इतने हिस्से में मैंने लगाया था और ये हिस्सा ग्लो कर रहा है, क्योंकि आपने जब मसाज करना है हाथों पर आपने इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये काली होती हैं, डार्क होती हैं, तो इन पे ज़्यादा अच्छे से आपने मसाज करना है। फेस पे भी ऐसे ही, ब्लैक हेड्स वाले हिस्से पे, नाक पे और फोरहेड पे और ये चिन पे आपने ज़्यादा मसाज करना है। तो गाइस आप देख सकते हैं वादिया फ़र्क है। तो प्लीज़ प्लीज़ आप अपनी इस वीडियो को ज़रूर अप्लाई करें, इस पैक को ज़रूर अपने फेस पर अप्लाई करें और मुझे बताएं। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपकी स्किन को नुकसान दे, ये आपकी स्किन को ब्राइट ही रखेगा। और ब्लैक हेड्स जो आपने बाजारी स्क्रब यूज़ करना है उससे बेहतर है कि आप घर पे बना के यूज़ कर लें। तो गाइज़ आप बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है, लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने आसपास वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।